वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं क्या आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब, आज डे 18 यानी कि संडे पे जैसी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होने वाली है ना, लिटरली आपको फर्स्ट संडे याद आ जाएगा जिसपे 70 करोड़ की हिंदी से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुई थी। आज तो 70 करोड़ की नहीं होगी, लेकिन भाई इतनी कमाल की आज संडे पे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आने वाली है ना कि दोनों के दोनों रिकॉर्ड्स डन है। मतलब कि आज संडे पे 1000 करोड़ भी होगा और 500 करोड़ की हिंदी नेट भी होगी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि भाई लिटरली शॉकिंग एडवांस बुकिंग रिपोर्ट आई है। कल सैटरडे की एडवांस बुकिंग रिपोर्ट 3 करोड़ समथिंग थी ना, तो मैं यही सोचकर बैठा था कि भाई आज संडे पे एडवांस बुकिंग 4 करोड़ के आसपास होगी, लेकिन भाई बहुत कमाल की एडवांस बुकिंग हुई है लिटरली। और सबसे स्पेशल शोज बड़े हैं, मतलब कि शोज गाइस ऐसे जा रहे थे, ऐसे जंप लिया है। मैं कल भी गाइस गुस्सा हो रहा था, मतलब मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कल भी बोला था कि भाई इतनी बड़ी फिल्म, सबको पता है कि भाई इस फिल्म ने जल्दी से जल्दी 1000 करोड़ करना है, जल्दी से जल्दी 500 करोड़ की नेट कलेक्शन करनी है। तो भाई इसे शोज दो ना, फजूल मूवीज जिनको कोई जानता तक नहीं है। अभी आप लोग भी नहीं, आपको समझ ही नहीं आ रही होगी मैं किस फजूल मूवी की बात कर रहा हूं, लेकिन जिन लोगों ने, मतलब कुछ लोगों को समझ आ गई होगी तो उनको शोज दे देंगे। लेकिन इधर जो बाप लेवल सिनेमा, जो कमाल की फिल्म जिसको ऑडियंस देखना चाहती है, उसको शोज नहीं मिलेंगे, लेकिन आज संडे पे मिले हैं तो कमाल हो गया। और स्पेशली गाइस, लास्ट मंडे से लेकर कल सैटरडे तक, मतलब जितने वर्किंग डे गुजरे हैं या कल सैटरडे भी गुजरा है, तो मंडे से लेकर कल सैटरडे तक जितनी भी टोटल एडवांस बुकिंग हुई है ना गाइस, जितनी भी टोटल एडवांस, चाहे मंडे को, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जितनी भी होती रही है रोजाना, आज संडे पे हिंदी से ही इतनी एडवांस बुकिंग है कि लास्ट वर्किंग डे या कल सैटरडे की जितनी टोटल होती थी। यस, कमाल हो गया। तो सारी बातें छोड़कर डायरेक्ट चलते हैं एडवांस बुकिंग रिपोर्ट पे, उसके बाद हम देखते हैं कि भाई आज कितनी संडे पे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आने वाली है। हमारा अर्ली एस्टिमेट क्या था, मतलब हमें 20 करोड़ चाहिए था ना, 1000 करोड़ करने के लिए एंड 500 करोड़ की हिंदी नेट करने के लिए, मतलब हमें 20 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रोथ चाहिए। तो अभी मैं आपको एडवांस बुकिंग रिपोर्ट बताता हूं, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या आज 20 करोड़ पॉसिबल है या नहीं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए जानते हैं। मैं आपको बताता चलूं, आज डे 18 यानी कि संडे पे हिंदी से एडवांस बुकिंग हुई है 4.16 करोड़ रुपीस की, और भाई लास्ट मंडे से लेकर कल सैटरडे तक टोटल एडवांस बुकिंग 4 करोड़ तक नहीं पहुंची। यस, टोटल एडवांस बुकिंग, और आज संडे पे खाली हिंदी से 4.16 करोड़ की एडवांस बुकिंग हुई है। 1,75,902, 1,75,902 टिकट से सोल्ड आउट हुए हैं, और सेम लास्ट मंडे से लेकर कल सैटरडे तक टोटल टिकट से सोल्ड आउट भी 175,000 तक नहीं गए, 1.5 लाख तक गए थे, और आज हिंदी से ही 175,000 टिकट सोल्ड आउट हुए हैं। और उससे भी जो कमाल चीज है वो पता है क्या है, आज हिंदी में टोटल शोज है 9,150 और लास्ट टोटल शोज 6,000, 7,000 या 8,000 होते थे। आज हिंदी में ही शोज 9,150 हैं। यही तो चाहिए मेरी जान, यही तो चाहिए। अब देखिए ना गाइज, ये जो शोज बड़े हैं, मतलब पहले गाइज हिंदी में शोज थे लगभग 7,000, आज हो गए 9,150, 2,000 शोज बड़े। तो अब ये जो 2,000 शोज इंक्रीज हुए हैं ना, ये वेस्ट नहीं जाने वाले। मेकर ये लोग दूसरे क्या करते हैं, फजूल वेस्ट टाइप मूवीज पे अपने शोज को इंक्रीज करवा ले ते हैं, उनको कोई देखने नहीं जाता। थिएटर्स ओनर का भी टाइम वेस्ट होता है, पब्लिक का भी टाइम वेस्ट होता है और फायदा। और दूसरी साइड पे वो फिल्म जिसको ऑडियंस देखना पसंद करती है उसको शोज नहीं देते। लेकिन देखिए, आप भी अभी पहले 7,000 शोज होते थे हिंदी में, आज 9,000 है, 2,000 बड़े। तो ये जो 2,000 शोज बड़े हैं ना, ये बहुत बेनिफिट देकर जाएंगे। जवान को भी बेनिफिट होगा, जो थिएटर्स ओनर्स हैं उनको भी बेनिफिट होगा, और जो ऑडियंस देखने आएगी उनको भी बेनिफिट होगा। अब ऑफ कोर्स जवान में जिन लोगों ने तो देख लिया, उन्हें पता होगा कि भाई इसमें सिर्फ एक्शन नहीं है, इसमें गाइस एक बहुत कमाल का मैसेज भी है। तो दैट्स द फिल्म भाई साहब। खैर, हिंदी लैंग्वेज 4.16 करोड़ की बुकिंग, 175,000 टिकट्स सोल्ड आउट, 9,150 शोज। तमिल लैंग्वेज,
तमिल से गाइज लास्ट मंडे से कल सैटरडे तक 10 लाख की बुकिंग नहीं हुई, लेकिन आज हुई है 10 लाख की एडवांस बुकिंग। मतलब तमिल से भी आज अच्छी कलेक्शन आएगी। 7535 टिकट्स सोल्ड आउट, 7535 टिकट सोल्ड आउट 214 शोज। तेलुगु 15 लाख की बुकिंग, तेलुगु में मेंटेन है, कल सैटरडे पे भी लगभग 16 लाख की बुकिंग थी, आज 15 लाख की बुकिंग है। 11,070 टिकट्स सोल्ड आउट, 11,070 टिकट्स सोल्ड आउट, 622 शोज हैं। IMAX 9.6 लाख की बुकिंग, 2,300 टिकट सोल्ड आउट, 65 शोज हैं। IMAX में शोज गिरे हैं। 4DX 5.1 लाख की बुकिंग, 1,133 टिकट सोल्ड आउट, 68 शोज। अगर मैं इसको टोटल करता हूं तो ये बनता है 4.57 करोड़ रुपीज, यानी कि 4.5 करोड़ प्लस। 4.57 करोड़ की आज संडे यानी कि गाइस डे 18 पे एडवांस बुकिंग हुई है और ये हाईएस्ट एवर है। आज से पहले बड़ी बड़ी मूवीज आई हैं लेकिन किसी की भी डे 18 संडे पे इतनी एडवांस बुकिंग नहीं हुई जितनी गाइस इधर गाइस हुई है जवान की। और मंडे से लेकर, ये अभी मैं जवान की ही बात करता हूं, लास्ट वर्किंग डे मंडे से लेकर कल सैटरडे तक भाई साहब टोटल एडवांस बुकिंग 4.57 करोड़ तक गई ही नहीं, मार्जिन भी बहुत बड़ा था, टोटल गई 3 करोड़, 3.25 करोड़ या 3.5 करोड़। मतलब आज जवान संडे पे 1 करोड़ की एडवांस बुकिंग लीड कर रही है। 1,97,933 यानी कि 1,98,000 टिकट सोल्ड आउट, ऑलमोस्ट 2 लाख हो ही गया था। 1,98,000 टिकट्स सोल्ड आउट एंड गाइस 10,112 शोज, ये होते हैं गाइस शोज ना। ये चीज करो ताकि जवान जल्दी से 1000 करोड़ करे, जल्दी से 500 करोड़ की नेट करे। आप सैटरडे इतने बड़े दिन पे भी आप 7000 शोज लेकर बैठे हो, खैर 10000 शोज हैं, मतलब आज शोज अच्छे हैं तो ऑफकोर्स बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी आएगी। तो अब 4.57 करोड़ की एडवांस बुकिंग के बाद अगर मैं अपना पर्सनल अर्ली एस्टिमेट बताऊं, मेकर्स का या ट्रेड का अभी तक नहीं आया, ये मैं पर्सनली अपना बता रहा हूं, तो मेरे अर्ली एस्टिमेट के अकॉर्डिंग आज कम से कम हिंदी लैंग्वेज से ही 13 करोड़ रुपए ये फिल्म कमाएगी। कम से कम मैं बोल रहा हूं, ज्यादा कितना जाती है वो तो देखना इंपॉर्टेंट होगा। 13 करोड़ रुपए अगर कमाती है हिंदी से, तमिल तेलुगु से 2 करोड़, टोटल हो जाता है 15 करोड़। 15 करोड़ की नेट कलेक्शन करेगी आज ये खाली इंडिया से, और लास्ट डेज में 15 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस हो रहा था, यानी कि फ्राइडे पे अभी लगभग, फ्राइडे पे तो चलो 16-17 हुआ था लेकिन लास्ट वर्किंग डे में ऐसा ही था। तो 15 करोड़ की इंडिया से नेट कलेक्शन, ये ग्रॉस बनेगी ऑलमोस्ट 18-19 करोड़ रुपए। ओवरसीज से आज चलो मान लेते हैं 10 करोड़ नहीं आता, 8 करोड़ भी आ जाता है तो ये बनता है 27 करोड़ रुपीज, और हमें चाहिए कितना था, 20 करोड़ रुपए। मतलब अगर 20 करोड़ जवान आज संडे पे करती, 20 या 22 करोड़ रुपए आज जवान संडे पे करती, तो जवान 500 करोड़ की हिंदी नेट भी कर लेती एंड 1000 करोड़ की ग्रॉस भी कर लेती। सो नाउ ये तो कर रही है अभी कम से कम 27 करोड़, कम से कम, ज्यादा मतलब मे बी ये 30 करोड़ तक चली जाएगी, लेकिन अगर 27 आया तो भाई RIP ऑल रिकॉर्ड्स, आज सारे रिकॉर्ड्स गाइस खत्म होंगे, क्रिएट होंगे, फास्टेस्ट 1000 करोड़, फास्टेस्ट 500 करोड़ का हिंदी नेट कलेक्शन। और आज का दिन शार्कियर्स के लिए, स्पेशली सारे शाहरुख फैंस के लिए बहुत बड़ा होने वाला है। और मजे की बात, सिर्फ शाहरुख फैंस के लिए नहीं, पूरी की पूरी बॉलीवुड, पूरी की पूरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए, जितनी भी सिनेमा लवर्स है सबके लिए ये बात अच्छी है कि अगर आपकी फिल्म में दम है, आप में दम है, तो आपकी फिल्म चाहे बॉलीवुड की है या चाहे साउथ की है, वो जल्दी से जल्दी 1000 करोड़ भी कर सकती है एंड 500 करोड़ की नेट भी कर सकती है। सो गाइस ये तो मेरी प्रेडिक्शन थी 27 करोड़। आप लोग मुझे बताएं जवान आज कितना कमा सकती है। खैर अभी तक के लिए इतना ही, होप सो आपको वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगली आने वाली थैंक्स फॉर वॉचिंग।